अस्सलाम वालेकुम हमारे YouTube फैमिली, आज का व्लॉग शुरू करते हैं पांड्यों से। अनम आ गई है, वो पांडे दरा दरा तोड़ रही है। तो कैसी है अनम? ठीक। बच्चे सोचे कैसे? ठीक ठाक। देखा ना जैसे वीडियो बन रही है, अनम ने आस्ता आस्ता बता दो। चलो जी, अभी हम बनाएंगे नाश्ता वाश्ता। और बच्चे आज घर पे ही हैं, घर पे ही हैं। और ये वाला बच्चा क्या कर रहा है? आज बच्चे करते हैं और उन्होंने करना है नाश्ता बनाने लगी है। उसके अलावा सफाइयाँ शफाइयाँ हैं, तो बताते हैं नेक्स्ट आपको क्या हमारी अपडेट्स है। सफाइयाँ भी हो गई हैं इस कमरे की भी और उस कमरे की भी, और बस सब नाश्ता करने लगे हैं हम लोग। बच्चे दूध लेने के लिए गए हैं, वापस आए हैं तो फिर नाश्ता करते हैं। पापा के साथ दूध लेने के लिए गए हैं जी। माशाल्लाह से पूरी टीम दूध लेने के लिए गई है। आ गए वापस? दूध ले आए हो? पापा कहाँ हैं? आज इनको छुट्टी है पेपर की तैयारी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, खा भी लिए तो खा ली। वापस आ रहे हो? दूध कहाँ है? पापा के पास। चार बंदे तो दूध लेने के लिए गए हो माशाल्लाह से। चार लोग गए हैं, चार बिल्लियां गई हैं दूध लेने। नाश्ता हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं मिस्टर बीस्ट की वीडियोस के साथ साथ। मंजू मेरी गोदी में बैठा हुआ। बेबी की बर्थडे आने वाली है और ये हर वक्त हैप्पी बर्थडे तू यू करती रहती है। हम तो कह रहे थे कि हम बर्थडे का ट्रेंड ख़त्म करते हैं, लेकिन इसको बर्थडे अब बहुत अच्छी लगने लग गई है। अब इसकी वजह से बर्थडे को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। बर्थडे सेलिब्रेट करें? केक काटें आपका? नहीं ना मंजू, केक काटें क्या? बेबी साथ। हाँ बेबी साथ, दीदी साथ, इसके साथ, मम्मी साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे यू टू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं क्या करते हैं इसकी बर्थडे पे। इसकी बर्थडे तो अगले महीने में है, 24 नवंबर को। तो देखते हैं कि अब इसकी बर्थडे के लिए क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मंजू खुद तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है रोज ही अपनी बर्थडे को। मंजू बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अपुए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये वाला बच्चा चला हुआ है अनाया के ऊपर, और वो वाला बच्चा बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है जो उसने करना है मजमून। क्या ये वॉश होते हैं, फिर मैं कतार पर डालती हूँ। अच्छे से याद करो फिर प्रैक्टिस करो इसकी। अभी मैं जा रही हूँ खन्नापुल कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। बच्चों को मैंने कहा है कि घर पे आराम से पढ़े वो लोग। क्या लाना है आपके लिए? अच्छा बेबी सो रही है, बेबी का ख्याल रखना ठीक है। अल्लाह हाफिज़। दर्जन डाल दें। 18, 20, 22, 23 हटा रहे हैं यहाँ से। तो जी आ गई मैं वापस, और बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं है चीज़ों को देखे छीना नहीं दूसरे से। वेलकम बेबी। तो ये सब चीज़ें मैं सामान खरीद के लाई। खन्नापुल जो है हमारे नियरेस्ट डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ। मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ कितने की मिली मुझे यहाँ से। यहाँ पर मुझे जो केले मिले हैं वो 100 रुपये दर्जन मिले हैं, इसलिए मैं 2 किलो ले लिए। और ये वाले जो सेब हैं वो भी मुझे 100 रुपये किलो मिले हैं जी। तो ये सेब इस तरह के, ये भी 100 रुपये किलो मिले हैं, ये भी मैं 2 किलो ले आई हूँ। लेकिन यार सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है,
सिर्फ ये सब्ज़ी मुझे 100 रुपए की मिली है, जिसमें 4-5 टमाटर हैं और एक लौकी है, बस बहुत महंगे। और ये 100 रुपए किलो प्याज हैं, और ये हैं ग्रेप्स, ये भी मुझे, ये मुझे 250 रुपए के किलो मिले हैं। इसके अलावा मैं लाई हूँ हरी मिर्चें, ये मुझे 50 रुपए की पाव मिली है, ये मुझे 50 रुपए की पाव मिली है, बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद मैं पुदीना भी लाई हूँ, मैंने अपने पॉट में लगाना है। और ये क्या है, अमरूद, अमरूद मुझे याद नहीं है, शायद ये भी 250 रुपए किलो थे शायद, कितने के, वो खुद जब अपनी मर्ज़ी से डालते हैं ना तो बस छोटे छोटे डाल देते हैं। और ये मंचू की चीज़ ही है, वो भी सो रही है, जागेगी तो फिर मैं उसको दूँगी। तो ये मैं अब शॉपिंग करके आई हूँ, अंडे लेके आई हूँ, 300 रुपये दर्जन अंडे लेके आई हूँ। तो ग्रेप्स को मैं यहाँ पे धो रही हूँ, ये वाले ग्रेप्स मिले हैं मुझे, वैसे गोल गोल ग्रेप्स होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं, लेकिन बड़े मज़े के मीठे ग्रेप्स हैं। भिगो के रखूँगी इनको, थोड़ी देर भिगो के रखूँगी और उसके बाद फिर इनको स्ट्रेन कर लूँगी। अपने लिए मैं समोसा प्लेट भी लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं है। खाने में मैं चने की दाल बना रही हूँ, साथ में लौकी प्याज को रख दिया मैंने ब्राउन करने के लिए, और मैंने लहसुन को थोड़ा ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा गर्म मसाला और हरी मिर्चें डाल के उसके अंदर, इसमें टमाटर और मसाले डाल के उसको भून लूँगी, और फिर दाल को भून लूँगी इसके अंदर, और लौकी भी डाल दूँगी और उसको प्रेशर लगा दूँगी। दाल को जो है ना मैंने 80% तक कुक कर लिया है, तरह से बॉयल करके इसको मैंने 80% कुक कर लिया, और ब्राउन हो गया है, जिसके अंदर मैं ग्राइंड किया हुआ लहसुन डाल दूँ, टमाटर भी मैंने काटे हैं, 5 छोटे साइज़ के टमाटर काटे हैं मैंने, क्योंकि चने की दाल में मसाला जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने टमाटर ज़्यादा लिए। लहसुन पक चुका है और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ थोड़ी हल्दी, पता है हल्दी मंचू का पानी दो, 1 टीस्पून हल्दी डालूँगी, आधी टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, अब इसमें पानी डाल दूँगी, थोड़ी सी इसमें मैंने दवा में डाल ली, साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूंगी, चला गया मेरा साथ ही, अब इसको कलर करने भी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, अपने जायके के मुताबिक आप इसमें नमक भी डालें, इसे दाल में भी मैं थोड़ा सजा लेगा था, दाल में सबसे और ज़्यादा कर दूँगी और कम तो हो नहीं सकता, इसलिए थोड़ा ही डाल, टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब इसके अंदर मैं दाल डाल के उसको भी भून लूँगी, टमाटर और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। दाल और टमाटर भी अच्छे से मैंने भून लिए, और इसके अंदर मैं लौकी भी शामिल कर देती हूँ और उसको भी भूनूँगी, पहले लौकी को भी भूनूँगी और उसमें पानी डाल के प्रेशर कुकर को 5 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। और अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर गर्म मसाला भी ऐड करती हूँ, 1/2 टीस्पून पीसा हुआ गर्म मसाला, ज़्यादा स्पाइसी बच्चे नहीं खाते, बस इसको भी मैं पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, जितने में लोग ही गल जाए और हमारी दाल रेडी हो जाएगी। तो ये है हमारी दाल की फ़ाइनल लुक, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, सिंपल सी लेकिन बहुत ही टेस्टी।
अभी हम खाना खाने लगे हैं। हम खाना खाने लगे हैं रात का। ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आ जाओ फजर खाना खाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।